स्कैम 1992 और क्रिमिनल जस्टिस बिहाइंड द क्लोज डोर बनाने वाली अपलॉस एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी नई फिल्म बनाने जा रही है जिसका नाम होगा इफ्तिखार। इसका फर्स्ट लुक 22 जनवरी को रिलीज कर दिया गया है। कहानी होगी अशोक चक्र पुरस्कार से सम्मानित मेजर मोहित शर्मा की, जिन्होंने साल 2004 में एक ऑपरेशन के दौरान हिजबुल मुजाहिदीन में इफ्तिखार भट्ट बनकर घुसपैठ की थी और दो आतंकियों को मार गिराया था। फिल्म के पोस्टर की बात करें तो इसमें मेजर मोहित शर्मा के इफ्तिखार लुक को दिखाया गया है जिसके पीछे तिरंगा रंग दिख रहा है। अपलॉज एंटरटेनमेंट ने अपने ट्विटर अकाउंट पर फिल्म के बारे में जानकारी दी। ट्वीट कर लिखा, अपलॉज एंटरटेनमेंट और दृश्यम फिल्म्स इफ्तिखार फिल्म के लिए साथ आए हैं जिसमें हम अशोक चक्र से सम्मानित मेजर मोहित शर्मा की वीरता की कहानी बताएंगे जिन्होंने इफ्तिखार भट्ट बनकर हिजबुल मुजाहिदीन में निडर होकर घुसपैठ की थी। ये फिल्म शिव अरूर और राहुल सिंह की बुक इंडियाज मोस्ट फियरलेस 2 का अडेप्टेशन है जिसे रैंडम हाउस इंडिया की तरफ से पब्लिश किया गया था। अपलॉज एंटरटेनमेंट के CEO समीर नायर ने बॉलीवुड हंगामा को दिए एक इंटरव्यू में बताया, पिछले साल के बाद शिव और राहुल के साथ हमारी ये दूसरी मुलाकात है। शोपिया में मेजर मोहित शर्मा की वीरता की कहानी सुनकर हम चकित थे, तुरंत ही जान गए थे कि ये एक ऐसी कहानी है जिस पर हर भारतीय को पता होना चाहिए। हमने पिछले साल इस कहानी के राइट्स खरीद लिए थे। दुनिया के सामने इस साहस की कहानी को बताने के लिए दृश्यम फिल्म्स के साथ हम काम करने जा रहे हैं। अब आपको थोड़ा मेजर मोहित शर्मा के बारे में बताते हैं। दक्षिणी कश्मीर से 50 किलोमीटर दूर शोपिया में मेजर मोहित ने अपने ऑपरेशन को अंजाम दिया था। सबसे पहले उन्होंने दाढ़ी मूछ रखी, इसके बाद अपना नाम इफ्तिखार भट्ट रखा, फिर इसी नाम के जरिए अबू तोरारा और अबू सबजार के संपर्क में आए। उन्होंने हिजबुल आतंकियों को ये विश्वास दिलाया कि भारतीय सेना ने उनके भाई को 2001 में मार डाला था, अब वो उसका बदला लेना चाहते हैं। आतंकियों को विश्वास जीतकर उन्हें उन्हीं के घर में मौत के घाट पर उन्होंने उतार दिया था। उनकी वीरता के लिए उन्हें खूब सराहा गया। 5 साल बाद कुपवाड़ा के एक सैन्य ऑपरेशन में मेजर मोहित शर्मा देश के लिए कुर्बान भी हो गए थे। इफ्तिखार फिल्म इस साल सितंबर महीने से फ्लोर पर आएगी। अगले साल 15 अगस्त 2022 में इसे रिलीज किया जाएगा। फिल्म की कास्टिंग को लेकर फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिली है। आपके लिए ये रिपोर्ट लाई थी हमारे साथी मेघना, देखते रहिए दी ललन टॉप। अब रोज दोपहर 12 बजे ललन टॉप लाएगा मैटनी शो, सिनेमा का कंप्लीट शो जहां सनसनी नहीं सेंस होगा। सोमवार बॉलीवुड किस्से, फिल्म और फिल्म वालों की दिलचस्प कहानियां। मंगलवार लल्लन टॉप अड्डा, चौचक बैठ की हेडलाइंस बनाने वाले हीरो हीरोइन डायरेक्टर के साथ। बुधवार कहां गए ये लोग जो कभी स्टार थे अब लगता है कि गुमनाम है, उनकी खोज खबर। गुरुवार भारत टॉकी, बेस्ट ऑफ रीजनल सिनेमा, क्योंकि हिंदी के बाहर भी जाबड़ फिल्में बनती हैं। शुक्रवार स्पॉटलाइट, हफ्ते की सबसे बड़ी सिनेमा न्यूज के हर एंगल पर फोकस। शनिवार को होगा बर्गर, फिल्मों के महारथियों से तसल्ली से लंबी बात सुकून और समझ के साथ। और रविवार को होगी सिने वेला, वेला यानी कि पीरियड, कक्षा, क्लास। ये क्लास लेंगे ललन टॉप के सिनेमा एडिटर गजेंद्र। क्लासिक फिल्मों और सिनेमा पर इसके हर पहलू पर विस्तार से बात होगी। तो रोजाना दोपहर 12 बजे देखिए ललन टॉप का मैटनी शो।